गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, हम पर्यावरण में पार्ट 15 की रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद अपना एक लेसन और शायद बच जाएगा, अभी देखती हूँ मैं। नहीं, ये अपना लास्ट लेसन है रिवीजन का। दूसरी बार अपनी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट लेसन है आपका ये। अब इसके मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ, जो भी एक्सरसाइज है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ये लेसन क्या है? पूजा एवं प्रार्थना स्थल। सभी के पूजा और प्रार्थना स्थल कौन कौन से हैं? तो आपके बुक के माध्यम से भी आपको बताया गया था, जो हिंदू धर्म का पूजा स्थल कौन सा है बेटा? मंदिर। और मंदिर में कौन पूजा करवाते हैं? सभी धार्मिक कार्य संपन्न कौन करवाते हैं? पुजारी जी। और ये क्या है? गुरुद्वारे। सिख धर्म जो है, पंजाबी जो होते हैं सिख धर्म, उनका जो प्रार्थना स्थल है, पूजा स्थल है, वो है बेटा गुरुद्वारा। कौन सा है? गुरु का द्वार, यानी भगवान का घर या भगवान का दरवाजा, कुछ भी कह सकते हो, गुरुद्वारा। अब इसमें जो पूजा पाठ करवाते हैं उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब की बुक होती है, इनकी धार्मिक पुस्तक है, उसका पाठ करते हैं वहां पर। और जो भी धार्मिक कार्य संपन्न करवाते हैं उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। और उसके बाद है मस्जिद। ये मुस्लिम धर्म का धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है। इनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन सी है बेटा? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ इनकी धार्मिक पुस्तक है। और मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, और जो भी मुस्लिम धर्म के धार्मिक कार्य होते हैं मौलवी जी पूरा करवाते हैं। समझ गए? उसके बाद है ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से होते हैं? चर्च। चर्च, चर्च में ये सभी क्या करते हैं? जिसे गिरजाघर भी कहा जाता है, वहां पर ये सभी पूजा करते हैं। और जो धार्मिक कार्य संपन्न कराने का कार्य होता है चर्च में, उन्हें वो जो करवाते हैं उनको कहा जाता है पादरी। जैसे मंदिर में पुजारी, और गुरुद्वारों में ग्रंथि, और मस्जिद में मौलवी साहब, और किसमें? गिरजाघर में कौन होते हैं? पादरी साहब। तो ये चारों अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के धार्मिक स्थलों के बारे में मैंने आपको बताया, इनकी धार्मिक पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप इस लेसन को एक बार घर पे जरूर रीडिंग करें। जब तक आप खुद रीडिंग करेंगे नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। आज मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करा रही हूँ, सभी ध्यान से देखिए। ईश्वर से हमारा क्या संबंध है? ईश्वर से हमारा क्या संबंध है? जैसे बेटा हमें माता पिता ने जन्म दिया है, ऐसे ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, पूरी पृथ्वी बनाई है, सब हम सबको जन्म किसने दिया है? ईश्वर ने। तो जैसे हमारा माता पिता से संबंध है पुत्र पुत्री का, उसी प्रकार भगवान से हमारा संबंध पुत्र पुत्री का ही है। वो हमारे माता पिता के समान है। ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, हम सब उसकी संतान हैं। अतः हमारे ईश्वर से माता पिता और पुत्र पुत्री का संबंध है। माता पिता और पुत्र पुत्री का संबंध है। माता पिता और पुत्र पुत्री का संबंध है। माता पिता और पुत्र पुत्री का जैसा संबंध है, हमें ईश्वर की पूजा प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? बेटा हमें जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। ईसाइयों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? ईसाइयों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं जहां ईसाई धर्म के लोग पूजा करते हैं? बेटे ईसाइयों के